सुप्रभात। हम पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे घर का चुनाव पाठ में कि हमने घर की स्थिति कैसी होना चाहिए, घर की दिशा कैसी होनी चाहिए, घर की नींव कैसी होनी चाहिए, उसके कमरे कैसे होना चाहिए, उसका नाप कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, एक होना चाहिए, हॉल, डाइनिंग, ये सब बेडरूम वगैरह कैसा होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि बहुउद्देशीय कमरा, आगे देखेंगे हम कि बहुउद्देशीय कमरा का क्या उद्देश्य बताया गया है हमारे मकान बनाने के घर चुनाव के करने में। अब बताया है उद्देश्य की कम जगह में अधिक से अधिक सामान रखा जा सकता है और अधिक परिवारजनों को भी रह सकते हैं। फिर कम खर्च में आवास समस्या का समाधान हो जाता है। घर में उपलब्ध मनोरंजन सामग्री, टीवी, रेडियो, फ्रिज, कूलर आदि का उपयोग भी एक साथ अधिक लोग बैठकर कर सकते हैं। कम खर्च से अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। घर में फिजूल खर्चे की बचत हो सकती है। घर के सामान की अधिक सफाई देखभाल हो सकती है। गृहिणी के श्रम की बचत हो सकती है। कम खर्च से अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना भी हो सकता है। अब हम इसके बारे में देख रहे, पहला उद्देश्य देखा हमने क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि बहुउद्देशीय कमरों के क्या लाभ भी हो सकते हैं। कम खर्च से अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। फिजूल खर्ची को भी नियंत्रित किया जा सकता है। गृहिणी के श्रम तथा समय में भी बचत हो जाती है। परिवारजनों के साथ एक साथ रहकर भी प्रेम बना रहता है। भौतिक वस्तुओं की कम आवश्यकता होती क्योंकि एक ही कमरे में बैठ के देख रहे हो। टीवी, मनोरंजन, कूलर सब वहीं पर इकट्ठा रखा हुआ है ना। फिर कम स्थान की जरूरत भी पड़ती है। एक ही कमरे में जब रखा है किनारे किनारे तो भी हमको कम स्थान की आवश्यकता होती है बहुउद्देशीय कमरे में। निम्न आय वर्ग के लोगों की आवास समस्या का निवारण भी होता है। परिवार पर आर्थिक भार भी नहीं पड़ता क्योंकि जिनको रहने के लिए नहीं होता ज्यादा कमरे तो वो एक बहुउद्देशीय कमरा बड़ा कमरे में भी बनाकर रह सकते हैं। फिर इससे हानि क्या है वो हम हानि के बारे में भी देखेंगे। कमरा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। रोगी व्यक्ति की स्वास्थ्य लेने से रोगाणु अनेक अन्य को भी रोगी बना देते हैं क्योंकि एक रोगी होगा तो वो सभी को रोगी बना देगा संक्रामक के कारण, इन्फेक्शन। फिर संक्रामक रोगों का प्रकोप भी जल्दी होता है। घर में सफाई सुविधा व्यवस्था उचित नहीं हो पाती। परिवार जनों में मानसिक संकीर्णता विचारधारा बन जाती है। जीवन में व्यक्तिगतता नहीं होती। घर में व्यक्तिगत कला प्रदर्शन का अभाव भी बना रहता है। ऐसे बहुउद्देशीय कमरे से भी हमें हानि भी बहुत सारी है कि हम बहुउद्देशीय कमरे में भी ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं। इसके बाद बताया ग्रह समस्या के कारण। तो ग्रह समस्या के कारण आजकल जैसे जनसंख्या वृद्धि बताया है, कल कारखानों की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कैसे, जिस प्रकार विज्ञान ने हर क्षेत्र में बहुमुखी विकास किया है जिससे कि दैनिक सुख साधन बढ़े हैं, उसी अनुपात में प्रत्येक परिवार में जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इसके कारण एक ही मकान कमरे में एक से अधिक व्यक्तियों के रहने के लिए भी दिवस होना पड़ रहा है क्योंकि उतनी आर्थिक आय नहीं है जितनी हमको चाहिए। तो ऐसे जनसंख्या वृद्धि में भी हमको बहुउद्देशीय कमरों में रहना पड़ता है और फिर ग्रह समस्या के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर है कल कारखानों की वृद्धि होना। देश ही नहीं विदेशों में प्रत्येक शहर में विभिन्न प्रकार के कारखाने उद्योग खुले हैं जिससे कि आवास की समस्या पैदा हो जाती है। शहरों के क्षेत्र भी बढ़े हुए, शहरों में भी कारखाने हैं, अतः कारखानों में कर्मचारी अधिक होते हैं, उन्हें आवास के लिए अधिक कठिनाई होती है। फिर तीसरा है कारण एकाकी परिवार। पहले संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती थी, एक ही व्यक्ति के दो सभी पुत्र वधु हुए बहु सभी एक साथ रहती थी। आजकल एकाकी परिवार की व्यवस्था प्रचलित है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत आवास की जरूरत होती है जिससे आवास समस्या बढ़ी हुई है। ऐसे भी परिवार हैं जिनमें बड़े बड़े आवास हैं जिनके, लेकिन उनके परिवार अलग अलग रहकर समस्या को बढ़ा देते। फिर है नौकरी पेशा की प्रवृत्ति। आज शिक्षा का प्रसार हुआ है जिससे कि शिक्षित लड़के लड़कियां नौकरी करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। नौकरी के लिए शहरों से बाहर की ओर जाते हैं जबकि उनकी
वहां स्थायी रह जाते हैं या व्यर्थ पड़े हैं, क्योंकि वो दूसरी जगह जाकर आवास समस्या को बढ़ा देते हैं। फिर है आधुनिक भौतिक सुख सुविधा। वर्तमान समय में भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम उक्त साधन का उपयोग करना चाहता है जो संयुक्त परिवार में संभव नहीं है। इस प्रकार से हमने घर के चुनाव के बारे में देखा बच्चों, और आगे भी और भी देखते कि आवास समस्या से निदान कैसे हो सकता है। आवास समस्या का निदान। बहुमंजिली इमारतों का प्रचलन, जैसे आजकल बड़े बड़े फ्लैट बन गए हैं महानगरों में ना, वैसे ही बड़े शहरों में आवास समस्या के निवारण के लिए कम जगह पर अधिक आवास के लिए बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती है। महानगरों में 25-30 मंजिल इमारतें बनाई जाती है। फिर है जनसंख्या नियंत्रण। विभिन्न चिकित्सा साधनों का उपयोग करने से भी आजकल जनसंख्या का नियंत्रण हो गया है। हालांकि आज का पढ़ा लिखा पुरुष महिला अधिक संतान के पक्ष में नहीं है, परंतु आज लड़का लड़की के महत्व में कोई अंतर नहीं है। अतः एक या एक से दो संतान भले ही दो लड़की हो, अधिक संतान नहीं चाहता। अन्यथा देखा गया है कि कई परिवार में 6-7 लड़कियां और अंतिम लड़का संतान होता है। ऐसे परिवार जनसंख्या वृद्धि ही नहीं करते बल्कि आवास समस्या को बढ़ा देते हैं। तीसरा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत समस्याएं। आवास योजना, जैसे कि हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहती है। आवास निर्माण का एक ऐसी गतिविधि है जिसमें विशेष अत्यधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसे उसी प्रकार का विकास होता है जिसकी परिकल्पना भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में की गई है। साथ ही आवास निर्माण से श्रमिकों को रोजगार भी मिलता है और अपेक्षाकृत निर्धन लोगों की आय भी बढ़ती है।